नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं DRDO MTS से संबंधित GK क्विज। और यहां पर मैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए विभिन्न प्रकार के GK के प्रश्न आपको कराऊंगा, जो आपके DRDO MTS की परीक्षा में पूछे जाने के पूरे चांस हैं। दोस्तों, बार बार कमेंट आते रहते हैं कि ये DRDO का पेपर कब होगा, तो उनके लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये पेपर आपको अप्रैल में देखने को मिल सकता है। और इसलिए आप अपनी तैयारी को जारी रखें और तेज़ी के साथ तैयारी में लग जाइए। और आपकी तैयारी को बेहतर कराने के लिए एग्जाम तक चैनल आपके लिए DRDO संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहेगा, इसलिए आप एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं इस वीडियो के GK क्विज को, जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और DRDO MTS में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने विभिन्न विषयों से संकलन किया है, कलेक्शन किया है। तो पहला क्वेश्चन आपको इतिहास से मिलेगा। GK में सभी प्रकार के विषय से क्वेश्चन आते हैं, तो पहला क्वेश्चन आपको इतिहास से है और ये प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन है मरुत्तर काल का, कि मिलिंद पान्हु क्या है। जो मिलिंद पान्हु क्या है, एक बौद्ध स्थल है, एक बुद्ध का एक नाम है, कला का बौद्ध नाम है, या फिर बौद्ध पाठ है। तो दोस्तों, इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, बौद्ध पाठ है। जो मिलिंद पान्हु है, ये एक बौद्ध पाठ है और इसमें इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचा गया है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि मिलिंद पान्हु क्या है, एक बौद्ध पाठ है और इसमें इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में ये रचा गया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, इसलिए पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। तो नेक्स्ट है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, तो ऐसे गुप्त राजा कौन थे जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, विक्रमादित्य की उपाधि कुल 14 लोगों ने ली थी, उसमें से कौन सा गुप्त राजा था ये आपको बताना है। तो आपके पास विकल्प हैं स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड या फिर कुमारगुप्त। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकंड। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमांक या फिर विक्रमादित्य कहा जाता है और जो इसका काल है ये गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुप्त काल का स्वर्ण युग। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके काल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और तीसरा क्वेश्चन है कि उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। ये भी आपका इतिहास से क्वेश्चन है और ये मॉडर्न हिस्ट्री का है या फिर मध्यकालीन इतिहास का ये क्वेश्चन है आपका। तो उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ औरंगजेब की। तो औरंगजेब अंतिम प्रभावशाली आपका मुगल राजा था, ये मुगल वंश से संबंधित था और अंतिम प्रभावशाली राजा था ये औरंगजेब। और अगर पूछे कि ये किस वंश से संबंधित था, तो आप कहेंगे कि मुगल वंश से संबंधित था और इसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये बात भी आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसका शासनकाल था 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। तो इतनी बातें आप औरंगजेब से याद रखेंगे। और अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि वह राजा कौन था, वह मराठा राजा कौन था जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था। दोस्तों, इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, शिवाजी। शिवाजी आपका जो था ये औरंगजेब से बहादुरी के साथ लड़ा था। और शिवाजी की बात करें तो ये मराठा वंश से संबंधित था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी को छत्रपति का ताज कब पहनाया गया था, तो 1674 ईस्वी में। कब? 1674 ईस्वी में यह राजा बना था। ये बात भी आप याद है, आपको याद करनी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो आप समझ गए कि वह मराठा राजा कौन था, तो शिवाजी था। और औरंगजेब था जो अंतिम प्रभावशाली मुगल राजा था, 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बात भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, 1707 ईस्वी में हुई थी। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। तो कौन सी रेखा है जो भारत को पाकिस्तान से अलग करती है, तो इसका विकल्प बी हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा है जो आपके भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। और ये जो आपका ये ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, ये भारत को चीन से अलग करती है। तो ये बात आप याद रखेंगे। और ये वो भूगोल का क्वेश्चन था आपका वो। नेक्स्ट भूगोल का क्वेश्चन, किसी दो
निरंतर देशांतरों के बीच का अंतर कितना होता है? तो किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच का अंतर कितना होता है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 मिनट का अंतर होता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। देशांतर मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि इस प्रकार से अगर आपकी पृथ्वी है, इस प्रकार से अगर आपकी पृथ्वी है, चलिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इस प्रकार से अगर आपकी पृथ्वी है तो इसमें ये बीच की जो रेखा होती है एकदम मध्य की, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, और 23.5 डिग्री सेल्सियस इस पर होती है, जो इसको कहते हैं आपकी जो दक्षिण में होती है मकर रेखा, और जो उत्तर में होती है 23.5 पर उसे कहते हैं कर्क रेखा, और जो ये लंबवत होती है इस प्रकार से इसको कहते हैं आपकी देशांतर रेखा। तो यही कह रहे हैं कि दो देशांतरों के बीच का अंतर कितना होता है, तो आप कहेंगे कितने, 4 मिनट का होता है अंतर। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राकेट सिद्धांत राकेट किस सिद्धांतों पर कार्य करता है? जो राकेट होता है, जो हम उड़ता है राकेट, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके पास ऑप्शन है न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, या फिर आर्कमिडीज का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, न्यूटन का तृतीय नियम। जो राकेट है ये न्यूटन के तृतीय नियम से क्या है संबंधित है, कार्य क्या है? न्यूटन का तृतीय नियम क्या था? उनका नियम ये था कि किसी भी वस्तु पर जितना ही आप आगे की तरफ बल लगाएंगे उतना ही आपकी पीछे की तरफ भी बल लगता है। तो जब आपकी इससे ये आपका है राकेट, इस प्रकार से अगर आपका राकेट है और जब ये पीछे की तरफ हवा छोड़ता है तो ये उतना ही कार्य आगे की तरफ ही करता है, तो ये ऊपर उठ जाता है। तो आप देखते होंगे कि पीछे की तरफ हवा छोड़ता है और जितनी ही गैसें निकल कर दाब आपका बल लगाती हैं उतना ही आगे की तरफ जाता है। तो ये न्यूटन का तृतीय नियम था और इसी सिद्धांत पर राकेट कार्य करता है, तो ये बात आप याद रखेंगे। न्यूटन का प्रथम नियम को दोस्तों जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, कि कोई वस्तु जब तक उस पर बाह्य बल लगाया जाए वो विराम अवस्था में ही रहती है, फिर अगर एक चाल से चल रही है तो जब तक उस पर बाह्य बल लगाया जाए तब से वह स्थिर नहीं होती है। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम था जो पूछा भी जाता है कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे न्यूटन के प्रथम नियम को, या फिर पूछ ले कि गैलीलियो का नियम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे न्यूटन के प्रथम नियम को। और न्यूटन के द्वितीय नियम से बल की आपका व्यंजक आता है, यह बराबर एम ए, तो ये भी पूछा गया है कि यह बराबर एम ए कहाँ से आता है, तो आप कहेंगे कि न्यूटन के द्वितीय नियम से, और आपकी विज्ञान की क्लासों में मैं इस पर डिटेल से चर्चा कर चुका हूँ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि लसीका से पचा हुआ अवशोषित वसा का वहन करती है। जो लसीका होती है इससे पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन कौन करती है? तो आप कहेंगे कि क्षुद्रांत करती है। कौन करती है? क्षुद्रांत करती है। दोस्तों एक होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, और इसी के बीच में होता है सीकम। तो जो सीकम से पचा हुआ भोजन आता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के दो भाग होते हैं, एक होता है आपका क्षुद्रांत और एक होता है मलाशय। तो जब आपके सीकम से पचा हुआ भोजन आएगा तो इसके पहले वाले भाग में जाएगा, क्षुद्रांत में, तो यही आपसे पूछ भी रहा था, तो ये बात आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद भी रखेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो आप कहेंगे 7.5 मीटर, 6 से 7.5 मीटर आता है, लेकिन आपको 7.5 मीटर पर ही टिक लगाना है। और एक पूछता है कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो आप कहेंगे कि 1.5 मीटर की। आपको लग रहा होगा कि इस कैसा हो गया, छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा और बड़ी आंत की लंबाई कम, तो ये कैसे हो गया? दोस्तों ये व्यास के आधार पर बांटा गया था। यहाँ पर आपको सिर्फ इतनी ही बातें याद रखनी है कि छोटी आंत की लंबाई होती है 6 से 7.5 मीटर, आपको 7.5 मीटर पर टिक लगाना है, और बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर, तो ये बात आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आठवें क्वेश्चन तरफ चलेंगे। आठवां क्वेश्चन है कि हृदय का काम है, जो आपका हार्ट होता है इसका कार्य क्या होता है? ऊतकों को ऑक्सीजन पहुँचाना, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन, या फिर रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। तो इसका विकल्प डी से हो जाएगा, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करने का कार्य आपकी किसका होता है? हृदय का होता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। और हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे ऑल बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो धमनी करती है। ये भी पूछा गया है कि शुद्ध रक्त को, हृदय से शुद्ध रक्त को कौन ले जाता है? तो आप कहेंगे धमनी ले जाता है, और ऑल बॉडी पार्ट से विभिन्न आपके शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त को, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हार्ट तक लाने कौन कार्य करता है? तो आप कहेंगे बीन कार्य करता है। कौन करता है? बीन, जिसे हम हिंदी में लिखते हैं सीरा। तो ये बात आप याद रखेंगे कि शुद्ध रक्त ले जाता है आपका आर्टरी धमनी, और अशुद्ध रक्त आपका सीरा धमनी, आपकी वीन सीरा। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में डायरेक्टली पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि कौन सा सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त ले जाती है? तो वो कौन सा सिरा है जो फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त ले जाती है? तो विकल्प बी से हो जाएगा, फुसफुस सिरा।
दोस्तों एक स्थिति में इसका अपवाद भी होता है कि वैसे तो आप जानते हैं कि जो सिरा है, जो आपका बीन है, क्या जो आपका ये सिरा है जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में लिखते हैं बीन, ये आप मैंने आपको पीछे बताया कि ये अशुद्ध रक्त को ले जाता है। क्या करता है ये? ऑल बॉडी पार्ट से अशुद्ध रक्त को लेकर आपके हृदय तक आता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वह कौन सा सिरा है जो हृदय में शुद्ध रक्त ले आती है, तो ये कौन सा सिरा है दोस्तों? ये फुसफुस सिरा है। ये आपका यही एक अपवाद होता है कि जो फुसफुस सिरा होता है वो शुद्ध रक्त को ले आता है। ये लंग्स से, जहाँ कहते हैं फेफड़ा, वहाँ से जो शुद्ध रक्त आपको वहाँ पर बनता है उसी को लेकर हार्ट तक पहुँचाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात ही याद रखेंगे। वैसे तो सिरा शुद्ध रक्त को ले जाता है, लेकिन उसका यही अपवाद है फुसफुस सिरा, जो आपके शुद्ध रक्त को ले जाता है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? जो आपको वायुमंडल होता है इसमें गर्मी आती है, तो ये कहाँ से आती है? तो विकल्प सी सही हो जाएगा, विकिरण। कहाँ से? विकिरण से आपके वायुमंडल में गर्मी आती है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों सभी विषयों से क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि जीके में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, सब में मिलाकर क्वेश्चन पूछ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भूगोल से है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो भारत के दक्षिण में, कहाँ? दक्षिण में दूरस्थ स्थल कौन सा है? और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका लिए है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है केप कैमोरिन, कैलीमियर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, या फिर पोर्ट ब्लेयर। और दोस्तों ये एसएससी की परीक्षा में पूछा भी गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे ही गए हैं। इसका विकल्प दोस्तों सी सही हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल आपका किसका है? इंदिरा पॉइंट है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत लोगों को इसको पहले से ही पता होगा। क्या होगा? पहले से ही पता होगा। चलिए आगे चलते हैं, और नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। तो जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो भारत है ये संसार का सबसे बड़ा देश है, कैसे स्थान पर? तो आपके सातवें स्थान पर होता है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से संसार का सबसे बड़ा देश होता है आपका कौन सा? रूस। ये भी पूछा गया है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे दोस्तों। अगर यही पूछता कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है कैसे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर दोस्तों आता है चीन। ये भी पूछा गया है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश संसार का कौन सा है, तो चीन है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से रूस है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप याद रखेंगे। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 13वां क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग गुना बड़ा है। तो आपको बताना है कि जो भारत का क्षेत्रफल है, जो भारत का एरिया है, ये पाकिस्तान की तुलना में कितना बड़ा है? तो आप कहेंगे कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4 गुना। जो पाकिस्तान का क्षेत्रफल है ये आपका 4 गुना हमसे छोटा है, और हमारा जो क्षेत्रफल ये पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? तो ये भी पूछा गया है परीक्षा में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी। ये संविधान से क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? तो आपकी 5 प्रकार की रिटें। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, 14वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है, इसलिए एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको जितने प्रकार की जीके है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, सबकी आपको यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार से इसको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। तो एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और विभिन्न प्रकार के क्विज वीडियो भी अभी आपको DRDOMTS से संबंधित आएंगे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। 15वां क्वेश्चन दोस्तों कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? जो गदर पार्टी था इसका संस्थापक कौन था? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा भी गया है, तो लाला हरदयाल। लाला हरदयाल क्या है? आपकी गदर पार्टी के संस्थापक हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और आपको अगर अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? तो भारत का पहला वायसराय कौन था? दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। भारत का पहला वायसराय और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। सबसे पहले मैं बात करता हूँ भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और इसी का नाम चेंज करके बाद में इसका नाम वायसराय कर दिया गया। तो भारत का अंतिम वायसराय, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो आपका कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। समझ रहे हैं कि लॉर्ड कैनिंग ही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, और उसी के समय में इसका नाम चेंज करके वायसराय कर दिया गया, तो ये अंतिम गवर्नर जनरल हो गया और प्रथम वायसराय हो गया। तो कौन था? ऑप्शन सी से हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। जो 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी, उसके बाद
रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया वहीं पर इसका नाम चेंज किया गया था। चलिए 17वां क्वेश्चन तरफ चलेंगे। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था। अभी पीछे बताया कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था, तो आपका लॉर्ड कैनिंग ही था। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। संविधान से क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। सर्वसत्ताधारी, यहाँ पर यह बात गलत हो गई, ये नहीं कहा गया है। समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, समाजवादी भी नहीं कहा गया है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दोनों नहीं होगा। ये सब तो कहे गए हैं लेकिन समाजवादी नहीं कहे हैं। लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, आपका सर्वसत्ताधारी नहीं कहा गया है। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी भी नहीं कहा गया है, तो ये भी नहीं होगा। सर्वसत्ताधारी तो मान लीजिए कहा गया है, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज, यही इसका विकल्प सही होगा। सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज, तो इतनी बातें आपको कही गई हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है हमारे यहाँ कोई विशेष धर्म को मान्यता नहीं दी गई है, सभी धर्म के लोग आसानी के साथ रह सकते हैं। लोकतांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक है यहाँ पर, क्योंकि लोकतंत्र है इसलिए कि लोगों के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है, और ये बातें तो आप याद रखेंगे। और सर्वसत्ताधारी होता है क्योंकि सभी लोग के हाथों में सत्ता होती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचते हैं। तो जो सूर्य की किरणें हैं ये किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं, तो ये विकिरण द्वारा पहुंचती हैं। दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि जो आपका ठोस होता है इसमें आपकी ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। किसके द्वारा? चालन विधि द्वारा। और जो आपका द्रव होता है इसमें होता है संवहन विधि द्वारा, ये बात याद रखिएगा। और एक होती है आपकी गैस, और इसमें विकिरण विधि द्वारा। इसमें तो इसमें आपका यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ गैसों में विकिरण, यहाँ पर लिखा भी गया, देख लीजिए ये विकिरण। तो गैसों आपके सूर्य की प्रक्रिया क्या, आपका वायुमंडल कैसा है, तो उसमें गैस है पूरी, तो सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर होती हैं, तो विकिरण विधि द्वारा, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक्सरे जो होता है, एक्सरे की खोज किसने की थी, को डिस्कवर किसने किया था। आपके पास ऑप्शन है बैकरेल, मैरी क्यूरी, रोएंटजन या फिर वान लू। तो विकल्प दोस्तों बी से हो जाएगा, रोएंटजन। एसएससी की परीक्षा में पूछा गया और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा, सिर्फ एसएससी ही नहीं, एक्सरे की बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये 20 आपके जो क्विज था, 20 क्वेश्चन का जो आपका क्विज था, आपको समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको यह वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तथा अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अभी DRDO MTS संबंधित आपको विभिन्न प्रकार के वीडियो मिलेंगे, अगर तब तक आप जानना चाहें तो डिस्क्रिप्शन लाइन पर जाइए, वहां पर मैंने आपके बायोलॉजी से, आपके केमिस्ट्री से, इतिहास से, भूगोल से क्विज कराए हैं, जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन लाइन पर लिंक मिलेगी। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।